हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग दशहरा के लिए जो ड्राइंग बनाए थे, हम लोग उसको कलर नहीं किए थे, तो हम लोग इस वीडियो में कलर करेंगे। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ साथ कलर कीजिए। तो सबसे पहले इसके हम लोग शर्ट जो या कुर्ता जो भी इसके कपड़े हैं उसको कलर करेंगे। तो हम लोग इसके धीरे धीरे कलर करते हैं। हम इसलिए धीरे धीरे इसको कलर कर रहे हैं कि ताकि आप लोग भी मेरे साथ साथ कलर कर लें। और आप लोग को हम बता दें कि हम बहुत इसको फास्ट नहीं करते हैं, क्योंकि आप लोग भी इसी तरीके से ड्राइंग बना लें। तो मैं यहाँ पे ग्रीन कलर यूज़ की हूँ। आप लोग अपने जो भी आपका फेवरेट कलर होगा उसको आप लोग चूज़ कर लेना, फिर उसको कलर कर देना, बस अच्छा लगेगा। मुझे पता है जो भी आप लोग बनाइएगा वो अच्छा बनेगा। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग दशहरा को कैसे मनाते हैं? मतलब क्या आप लोग दशहरा घूमने जाते हैं? क्या आप लोग जब दशहरा में दशहरा के दिन जब रावण को जलाया जाता है तो क्या आप लोग देखने जाते हैं? हम लोग तो जाते हैं, पापा के साथ हम लोग जाते हैं, जिसके बड़े भैया हैं वो भैया के साथ भी जाते हैं। तो क्या आप लोग जाते हैं? कमेंट में बताना। अब हम लोग इसके 10 सिर के 10 मुकुट कलर कर रहे हैं। तो मुकुट तो पता ही है कि येलो ही करेंगे। तो यहाँ से ना जो रोशनी आ रही है मेरे विंडो से, तो उसके कारण येलो कलर उतना डार्क नहीं दिख रहा है, लेकिन बहुत प्यारा लगेगा। आप लोग मुकुट येलो ही कलर करना, ठीक है? और हाँ, आप लोग को जैसा कि मैंने बताया था कि जहाँ पे मेरा घर है वहाँ पे बहुत वॉइस आती है, तो आप लोग उसको मत वो इग्नोर करना उसको। ओके ओके, थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे बहुत समझते हैं, तो आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर भी किया कीजिए ताकि मेरे वीडियोस पर व्यूज़ आए और मेरे को मोटिवेशन मिले। आप लोग का एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन है, तो आप लोग लाइक किया कीजिए। चलिए अब हम लोग आग को कलर करते हैं, क्योंकि रावण को तो जलाना ही है ना। रावण को जलाने के लिए आग को कलर करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ऑरेंज कलर से लाइट कर दी है, मैंने थोड़ी थोड़ी किनारे किनारे कर रही हूँ। धीरे धीरे करना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कलर ताकि बाहर ना निकले, धीरे धीरे करना है। आप लोग मेरे साथ साथ कलर कीजिए, बहुत इजी तरीके से मैं बताती हूँ ताकि आप भी आसानी से बना लें। तो अब आपको पता है आग में एक और भी कलर होती है, येलो कलर। तो बिना येलो का थोड़ी हो पाएगा, हाँ। तो अब मैंने येलो कलर भी कर दी। ये देखिए अब हम लोग का आग हो गया रेडी। अरे अब हम लोग आउटलाइन मतलब बॉर्डर को तो करेंगे ना, ताकि ये और भी खूबसूरत लगे। आप लोग बॉर्डर अपना जो भी फैब्रिक कलर होगा वो चूज़ कर लेना। मैंने यहाँ पे रेड चूज़ की हूँ, ताकि रेड बहुत अट्रैक्ट करता है, बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने रेड चूज़ की। आप लोग अपने फैब्रिक कलर चूज़ कर लेना। फिर मैं ऑरेंज कलर चूज़ की हूँ डार्क बॉर्डर बनाने के लिए। ये देखो थोड़ा डार्क बॉर्डर करने से हाईलाइट हो जाता है पोस्टर, तो मैंने ऐसा यूज़ किया। आप भी अपने मनपसंद आप ब्लू, स्काई ब्लू, रेड, कोई भी कलर आप लोग यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपका फेवरेट होगा। ये देखिए हम लोग का वीडियोस बन गया, और हम लोग का एक ड्राइंग कंपटीशन में आप इसको बना सकते हो। कितना ईजी है ना, आपको पता है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।